क्वेश्चन नंबर वन, फिर से यही फॉर्मूला अप्लाई करना। ए पार्क इन द शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी हैज एंगल सी 90, ए बी 9, बी सी 12, सी डी 5 एंड ए डी 8, हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई। यानी हमें कुछ पार्क दिया हुआ कुछ इस तरीके से, ये है, ये दूसरा साइड है, ये तीसरा साइड है और ये चौथा साइड है। ए बी सी डी दिया हुआ है, डी और बी को मिलाया हुआ है, ये डी सी 5 मीटर दिया हुआ है, ये 12 मीटर दिया हुआ है, ये 9 मीटर दिया हुआ है और ये 8 मीटर दिया हुआ है। एंगल सी 90 है, एंगल सी 90 मतलब ये एंगल हमें 90 के बराबर दिया हुआ है। तो ये वाला ट्रायंगल एक राइट ट्रायंगल बन गया। राइट ट्रायंगल में हम सीधा एरिया ऑफ ट्रायंगल बेस इनटू हाइट लगा सकते हैं, तो सिंपल। इसके बाद हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, इस पूरा पार्क का एरिया निकालना। इस पूरा पार्क एक क्वाड्रिलेटरल में, तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमारे पास नहीं है, तो हम इसको दो ट्रायंगल में डिवाइड किए हैं। इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। इस ट्रायंगल का एरिया तो हम हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट निकाल सकते हैं, लेकिन इस ट्रायंगल का एरिया ये राइट ट्रायंगल नहीं है, तो इसका तीसरा साइड ये चीज हमें निकालना पड़ेगा। हम उसी को निकालेंगे, हम कहेंगे सिंस बी सी डी इज ट्रायंगल, बी सी डी इज ए राइट ट्रायंगल, ये एक राइट ट्रायंगल क्योंकि एंगल सी उन्होंने 90 दिया हुआ है। तो राइट ट्रायंगल में हमेशा बाय पाइथागोरस थ्योरम से एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है। एच हाइपोटेन्यूज, 90 का अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है, ये चीज बीडी हाइपोटेन्यूज है। बीडी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 12 का स्क्वायर है प्लस बेस 5 का स्क्वायर है। बीडी का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, बीडी का स्क्वायर इज इक्वल टू ये दोनों प्लस करेगा तो 169, बीडी का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 को 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर स्क्वायर का बीडी हमारे पास क्या आ गया, यानी ये चीज हमारे पास 13 आ गया। अब दोनों के एरिया निकालेंगे। इस ट्रायंगल में पहले हम एरिया निकालेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी, इस ट्रायंगल में हियर ए इज इक्वल टू 8 है, बी इज इक्वल टू 9 है, सी इज इक्वल टू 13 है, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, 8 प्लस 9 प्लस 13 अपॉन 2, ये आ गया 30 अपॉन 2 इज इक्वल टू एस आ गया 15। तो एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी का एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी 15, 15 माइनस 8, 15 माइनस 9, 15 माइनस 13, 15, 15 माइनस 8 गया 7, 15 माइनस 9 गया तो 6, 15 माइनस 13 गया 2 आ गया। यानी इसका आंसर आ गया 15, 6 और 19 इंटू 7 टू 14, 90 को हम लिखा 30 इंटू 3 14 को हम लिखेंगे 2, 7 द 14, इस 9 का बाहर रूट गया तो 3, 10 टू द 20, 20 इंटू 7 140, टेन टू ज 20 आ गया 140 को हम अगर रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3 × 140 का स्क्वायर रूट आएगा कुछ 11.6 करीब, तो ये आ जाएगा हमारे पास 35.5 आ गया। इसके बाद हम एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी निकालेंगे। ये तो हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, हाफ ऑफ बेस हमारे पास है, ट्रायंगल का बेस दिया हुआ है 5 और हाइट दिया 12, 5 और 12 26 और 12 56 30 मीटर स्क्वायर। यानी इसके बाद एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालने, एरिया ऑफ यानी क्वाड्रिलेटरल पार्क का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ
एबीडी प्लस एरिया ऑफ ट्रेंगल बी सी डी। एबीडी का एरिया हमारे पास 35.5 है, प्लस इसका 30 है, तो ये आ गया 65.5 मीटर स्क्वेयर, एरिया ऑफ पार्क निकल गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड फिर से कहा, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इन विच एबी इज इक्वल टू 3, बीसी इज इक्वल टू 4, सीडी इज इक्वल टू 4 एंड डी ए इज इक्वल टू 5 एंड एसी इज इक्वल टू 5 है। सारे साइड दिया हुआ है यानी फिगर में आपको एरिया निकालना है। फिर से दो ट्रायंगल में डिवाइड किया हुआ है क्वेश्चन में उन्होंने, तो इसमें हम फिर से निकालेंगे ट्रायंगल एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल है, तो उसमें हाइट और एरिया निकालना है। तीसरे का हम निकाल के दोनों के एरिया निकाल के आप निकाल सकते हैं, यानी तीसरा पार्ट हम बाद में करेंगे क्योंकि थर्ड क्वेश्चन थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, उसको हम बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर आप फोर देख लीजिए पहले। क्वेश्चन नंबर फोर, ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम हैज द सेम बेस एंड द सेम एरिया इफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल आर 26 28 एंड 30 एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस ऑफ ए 28 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। यानी क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है एक ट्रायंगल और पैरेललोग्राम है जिसका बेस भी सेम है और एरिया भी सेम है, लेकिन कह रहा है ट्रायंगल जो है वो इसके पैरेललोग्राम के बेस पे स्टैंड करता है, तो हम इस तरीके से बनाएंगे। साइड ऑफ ट्रायंगल आर 26 28 एंड 30 सेंटीमीटर, यानी इसको हम 28 बेस पैरेललोग्राम के बेस 28 है, तो ये 26 रखेंगे ये 30 रखेंगे। हमें निकालना फाइंड द बेस ऑफ द फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, इस पैरेललोग्राम का हमें हाइट निकालना है। कैसे निकालेंगे, पैरेललोग्राम का हाइट हमें निकलेगा एरिया में से, लेकिन इसके पैरेललोग्राम के एरिया के लिए हमें हाइट चाहिए, हाइट नहीं दिया है तो, लेकिन ट्रायंगल का एरिया तो हम निकाल सकते हैं, ट्रायंगल का एरिया और पैरेललोग्राम का एरिया उन्होंने क्वेश्चन में सेम दिया गया। हम लिखेंगे हेयर ए इज इक्वल टू 28, बी इज इक्वल टू 26, सी इज इक्वल टू 30, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, 28 प्लस 26 प्लस 30 अपॉन टू, ये आ गया 8 6 14, ये 56 प्लस 30 अपॉन टू, 50 38, 86 अपॉन टू इज इक्वल टू 243 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया, एस आ गया, ये 54 84 42 सेंटीमीटर हमारे पास पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर आ गया। इसके बाद हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस का वैल्यू है 42 42 माइनस 28 42 माइनस 26, बी का वैल्यू 42 माइनस 6 का वैल्यू है 30, ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 42 42 माइनस 28 आ गया 14, 26 आ गया 16, 30 आ गया 12। इस सब को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आएगा 112896, इसका रूट आएगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब हम हाइट ऑफ पैरेललोग्राम निकालेंगे, तो हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की जगह हम 336 रख सकते हैं क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सेम दिया हुआ है। ट्रायंगल का एरिया हमने 336 निकाला, तो पैरेललोग्राम का भी एरिया 336 होगा। बेस हमें 28 दे, यहां से हम हाइट निकालेंगे। एच इज इक्वल टू 336 अपॉन 28, 4 से डिवाइड करो, 4 एट द 32 336, 32 16 4 4 16 4 7 20 8 7 1 7 7 1 7 7 2 14, यानी हाइट ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास कितना निकल गया, 12 सेंटीमीटर निकाल गया। इसके बाद हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 रोम्बस। क्वेश्चन नंबर 5 में एक रोम्बस दिया है, ए रोम्बस शेप्ड फील्ड है ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउस टू ग्रेज, इफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 30 एंड इट्स लॉन्गर डायगोनल इज 48, हाउ मच एरिया ऑफ द ग्रास विल ईच काउ बी गेटिंग। यानी डायगोनल भी दिया हुआ है,
दो ट्रेंगल में हम डिवाइड करेंगे दोनों साइड, दोनों ट्रेंगल के दोनों साइड बराबर, तो एक ट्रेंगल का एरिया निकालेंगे दूसरे ट्रेंगल का भी एरिया वही होगा। हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, यानी कुछ एक रोम्बस से इस तरीके से साइड सारे 30 रोम्बस के सारे साइड बराबर होते हैं, एक डायगनल हमें दिया है 45, लॉन्गर डायगनल ये है, ये हमारे पास 48 दिया है, इसके एरिया निकालना है। तो ये ट्रेंगल का दो पार्ट में दो ट्रेंगल बना दिया, इस ट्रेंगल का भी एरिया निकालना, इसका भी सेम निकलेगा दोनों का क्योंकि साइड सारे सेम है। तो हम लिखेंगे इसको ए बी सी डी लिखेंगे, इन ट्रेंगल ए बी सी में ए इज इक्वल टू 30 रखेंगे, बी इज इक्वल टू 30 रखेंगे, सी इज इक्वल टू 48, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू 30 प्लस 30 प्लस 48 अपॉन टू 30 30 60 108 अपॉन 2 इज इक्वल टू 25 10 to 54 हमारे पास पैरामीटर सेमी पैरामीटर। अब एरिया निकालो, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, 54 54 माइनस 30 54 माइनस 30 54 माइनस 48 54 54 माइनस 30 24 ये भी 24 54 माइनस 48 आ गया 6। 24 का पैर बाहर जाएगा तो 24 एक रहेगा, 54 इंटू 6 इसको हम 54 इंटू 6 24 54 को 9 इंटू 6 इंटू 6 लिख सकते हैं, 9 6 54 24 6 बाहर गया, 9 का बाहर 3 आ गया, ये सारे आ गया, 24 इंटू 6 आ गया 144 इंटू 3 3 4 12 1 3 4 12 1 13 1 432 आ गया, यानी मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे नीचे वाले ट्रेंगल का, तो ऊपर वाले ट्रेंगल का भी 432 ही आएगा। आल्सो एरिया ऑफ ट्रेंगल ए डी सी इज इक्वल टू 432 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ हम रोम्बस निकालेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस 432 प्लस 432 दो ट्रेंगल है तो 864 आ गया मीटर स्क्वायर। अब हम इसमें कॉस चलाने के लिए एरिया ऑफ द ग्रास फील्ड, हम कहेंगे एरिया ऑफ द ग्रास फील्ड विच कॉस ग्रेस, ग्रास फील्ड विच ईच काउ गेट्स, विच ईच काउ गेट्स इज इक्वल टू 864 डिवाइड बाई टोटल 18 काउस है, 18 से डिवाइड करेंगे 18 4 7 2 82 41 144 18 8 7 44 18 8 7 44 48 मीटर स्क्वायर इतना ये करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, थैंक यू।